ट्विटर के कंपटीशन में उतारे गए मार्क जुकरबर्ग के थ्रेड ने सोशल मीडिया की दुनिया में धमाल मचा के रख दिया है और एलोन मस्क को चिंता में डाल दिया है। कैसे? देखिए, जहां नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने में 3.5 साल लग गए थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल, एलोन मस्क के ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और चैट जीपीटी को 5 दिन लगे थे, वहीं थ्रेड ऐप ने मात्र 2 घंटे के अंदर ही 1 मिलियन डाउनलोड पूरे कर लिए थे। और आज 4 दिन बाद आलम यह है कि यह आंकड़ा 97 मिलियन यानी कि 9.7 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया। खास बात यह है कि थ्रेड ऐप के सबसे ज्यादा यानी कि 22% डाउनलोड्स इंडिया से ही आए हैं। लेकिन एक परेशानी है, एक बार थ्रेड ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको थ्रेड अकाउंट डिलीट करना है तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा। मतलब कि ये एक गजब का ट्रैप है जिससे आप चाके भी बाहर नहीं निकल सकते। पर क्या ये ट्विटर की जगह ले पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या आपने ये ऐप डाउनलोड किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर हमारे भोलेनाथ भगवान शिव जी को भांग क्यों चढ़ाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी? दरअसल जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से कई चीजें निकल रही थी जिसे देवता और दानव दोनों आपस में बांट लेते थे। लेकिन समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला तो उसे रखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, पर उस विष से सृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा था और सभी देवता इस समस्या को लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने हलाहल विष को खुद ही पी लिया, लेकिन विष पीने के बाद शिव जी के शरीर का तापमान बढ़ गया जिसे ठंडा करने के लिए उन्हें भांग पिलाया गया था और तब से भगवान शिव को भांग चढ़ाने की शुरुआत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि भांग से बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगता है। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक शिवजी को भांग चढ़ाने की इस प्रथा के बारे में पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसी कुछ कहानी है मुंबई की झुग्गी झोपड़ी यानी कि स्लम में रहने वाली एक लड़की की, जिसने गरीबी के कारण अपनी 10वीं क्लास की पढ़ाई तक छोड़ दी, लेकिन उसकी क्रिकेट खेलने की जिद और दिन रात की मेहनत उसे उस मुकाम तक ले गई जहां आज वो इंडिया की विमेन प्रीमियर लीग में जगह बना चुकी है। गाइस, वो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है मुंबई की धारावी स्लम में रहने वाली 21 साल की यूपी वॉरियर टीम की बल्लेबाज सिमरन शेख, जिन्हें बचपन के दिनों में पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए लोगों की डांट खानी पड़ती थी। घर में गरीबी और पैसों की दिक्कत की वजह से उन्होंने 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया, पर क्रिकेट खेलने की चाह उसे गली क्रिकेट से निकालकर क्रॉस मैदान तक ले आई, जहां लगातार प्रैक्टिस के बाद वो यूनाइटेड क्लब का हिस्सा बन गई। कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के बदौलत सिमरन ने इंडिया की विमेन प्रीमियर लीग में खेलकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। वैसे गाइस, आपको सिमरन शेख की संघर्ष वाली कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।